हमारे साथ बॉलीवुड की एक्ट्रेस ईशा गुप्ता जी हैं और हम इनसे बात करेंगे कहाँ पे आई हैं और क्या उद्देश्य है। थैंक यू सर। बनारस में हूँ सर इस टाइम पे और यहाँ के अपना घर में आई हूँ, जहाँ देख सकते हैं आप पीछे लोग, यहाँ पे निरंजन जी ने बहुत अच्छा ख्याल रखा हुआ है जिन्होंने बनाया है ये अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम अब नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने सबको नाम ही ऐसा रखा है अपना घर की, सबको अपना बना लिया। काफ़ी लोग हैं जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया, माँ बाप ने छोड़ दिया या बस सड़क पे कि जिसका कोई भी नहीं है। कितनी औरतें हैं जिन्हें यू नो कोई ना कोई, किसी को भी कुछ बीमारी है कुछ है, तो यहाँ पे सबका ख्याल रखते हैं। मेडिकल फैसिलिटी है, सबके खाने की फैसिलिटीज़ हैं एंड शोशाबाजी नहीं, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि दिल से करना। जैसे मैंने अपना घर के बारे में इसलिए सुना क्योंकि मेरे दोस्त बनारस के हैं और उन्होंने मुझे इतना इसके बारे में बताया था क्योंकि उन्हें पता है ऐसी जगहें पसंद है मुझे, अपने तरफ से मैं जितना कर सकती हूँ करना, तो उन्होंने मुझे बताया अपना घर के बारे में, तो यहाँ तो आना ही था। क्या लगता है कि ऐसे लोग लेकर के बॉलीवुड में कैसे ऐसे पिक्चर बनाने चाहिए? आजकल OTT प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे सीरीज़ वगैरह बनते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रमोट या ऐसे लोग को दिखाने के लिए जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, क्या इन पर भी फिल्में बननी चाहिए? क्या मुझे लगता है निरंजन जी जैसे पे एक फिल्म बननी चाहिए क्योंकि हमें ऐसे लोग और चाहिए। जैसे जब हमने मूवी बनाई थी, जैसे मूवी बनाते हैं भगत सिंह पे, हम एक वो थे जिन्होंने तब लड़ाई, और ये भी एक लड़ाई ही है, ये भी एक संघर्ष है क्योंकि बहुत मुश्किल है जिसके ऊपर कोई छत नहीं है, जिसके लिए खाने को खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, उसको एक ज़िंदगी देना, एक मकसद देना जीने के लिए और सिखाना, और वो भी निस्वार्थ। तो आई थिंक ऐसे तो बननी चाहिए मूवी। काशी में आई हुई, क्या कहेंगे काशी इस वाराणसी के बारे में? मैं सच बताऊँ वाराणसी से बहुत प्यार है मुझे, पूरी दुनिया को है सच बताऊँ तो। मैं इस बार काशी जब भी आती हूँ मुझे बस एक ही चीज़ याद आती है कि बस रात की आरती और बहुत ही स्वादिष्ट खाना, जो रात की आरती और काशी की दर्शन अभी मेरे बचे क्योंकि कल रात ही आई हूँ, तो सबसे पहले मुझे यहीं आना था, अब वो सब करूँगी। और काशी आते एक अपनापन लगता है। आने वाली फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? अभी मेरी नकाब रिलीज़ हुई है और आश्रम की शूट चल रही है मेरे जो सीरीज़ है प्रकाश झा की, और अभी यहाँ से निकलती है मेरा दिवाली के बाद मेरी मुंबई में शूट शुरू है सुनील शेट्टी जी के साथ इनविजिबल मोमेंट, तो बहुत एक्साइटिंग टाइम है और वेब सीरीज़ की वजह से बहुत और एक्साइटिंग टाइम हो गया। अगले साल मेरी दो फिल्म शूट शुरू हो रही है जनवरी में, एक है जो सेम डायरेक्टर जिन्होंने वन डे बनाई थी मेरे और अनुपम जी के साथ, अशोक नंदा एक उनके साथ मूवी है, और एक मूवी है जॉम्बीज पे, तो वो अच्छी मूवी होगी। थैंक यू। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश समाचार से इन्होंने बात की और बताया कि यहाँ पे आकर के उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो चाहते हैं कि निरंजन जी जैसे लोगों पे वेब सीरीज आने वाली फिल्में बननी चाहिए। वाराणसी से अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार।